नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एंड्रॉयड और आईओएस 11 के बारे में। यहाँ पे 6 नए फीचर्स मिलते हैं जो एंड्रॉयड फोन में वो फीचर्स नहीं मिलते, और बहुत ही इम्पोर्टेंट या बहुत महत्वपूर्ण फीचर्स है। जानने के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो, चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। आइए देखते हैं क्या है एंड्रॉयड और आईओएस 11 के फीचर्स। तो सबसे पहला फीचर्स आता है, मैंने देखिए यहाँ पे निकाल के रखा है, न्यूज मेमोरी है हमको ये न्यूज 18 में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहला फीचर जो आता है जो आईओएस में मिलता है आपको, स्पैम मैसेज फिल्टर का। अगर आपको बहुत सारे स्पैम मैसेजेस आते हैं जिससे हमारा एंड्रॉयड का जो है फोन मैसेज चिप या मैसेज बॉक्स जो है एकदम भर जाता है, लेकिन ये आईओएस 11 अपडेट होने के बाद जो नया फीचर आया है स्पैम मैसेज फिल्टर का, उससे सारे स्पैम मैसेज को डिलीट कर देता है। और यहाँ पे दूसरा फीचर आता है कंटेंट ड्रैग एंड ड्रॉप सपोर्ट को। इसके जरिए आप इमेज टेक्स्ट यूआरएल को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन मतलब फीचर यह है मैसेजिंग सिंक अक्रॉस डिवाइस सपोर्ट करता है, यानी कि यह मैसेजिंग ऐप जो है आई क्लाउड को सपोर्ट करता है। इस मतलब जैसे हमारे एंड्रॉयड फोन में मिलता है क्लाउड स्टोरेज, वैसे ही आईओएस में आई क्लाउड स्टोरेज मिलता है। इसके जरिए एप्पल डिवाइस में सभी मैसेजेस को सेम आईडी से सिंक्रोनाइज किया जा सकता है। और चौथा देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज के जरिए मनी सेंड और रिसीव करना, मतलब ये इंटरेस्टिंग फीचर है आईओएस 11 का, जिसके जरिए आप पैसे भेज सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, आप ट्रांसफर कर सकते हैं। बस इसके लिए यूजर को सिंपल टेक्स्ट टाइप करना होगा, एंड्रॉयड में इस तरह का फीचर नहीं मिलता है और शायद हमें लगता है मिलेगा भी नहीं, या बोले तो एंड्रॉयड में एनएफसी आता है फीचर पेमेंट करने के लिए, लेकिन आईओएस में काफ़ी अच्छा फीचर दिया गया है। और पांचवा फीचर आता है नेटिव स्क्रीन रिकॉर्डिंग। इस फीचर में यूजर वॉइस के जरिए डिवाइस के डिस्प्ले को कंटेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब आपके डिस्प्ले पे जो होता है उसको आप जो है नेटिव रिकॉर्ड कर सकते हैं उस, और एंड्रॉयड में सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और लास्ट आते हैं सीरी लैंग्वेज ट्रांसलेशन का। सीरी में ट्रांसलेशन को लेकर नया फीचर जोड़ा गया है। अब सीरी को लेकर मतलब कई कई अलग भाषाओं में ट्रांसलेशन कर सकते हैं, इन भाषाओं को इंग्लिश, चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन और भी बहुत भाषाओं में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। एंड्रॉयड में फीचर मिलता है गूगल ट्रांसलेट, उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वहाँ पे आप वहाँ पे ट्रांसलेट आसानी से कर सकते हैं। तो वीडियो देखते रहने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।